Top 20 News is brought to you by Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिजनेस न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। शिवसेना यूपीटी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। शिवसेना ने बुलढाणा से नरेंद्र खेड़कर, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को टिकट दिया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो बड़ा खुलासा कर सकती है। केजरीवाल अभी ईडी कस्टडी में है और सुनीता की उनसे हर दिन मुलाकात हो रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दीपक सिंगला के घर ईडी की रेड पड़ी है। दीपक सिंगला विश्वासनगर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी थे। अमेरिका में मेरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर में सोमवार देर रात एक मालवाहक जहाज एक पुल से टकरा गया, जिससे पुल टूटकर नीचे नदी में गिर गया। इस हादसे में 6 लोग लापता हो गए हैं। दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मुहिबुल्ला नदवी रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीलीभीत से जितेंद्र प्रसाद नामांकन करेंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सदन में हंगामे के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरे राज्य से पीएम मोदी की तस्वीरें हटा दी गई है, लेकिन 10,000 जगहों पर ममता बनर्जी की तस्वीर है। एयरपोर्ट से लेकर फ्लाईओवर तक टीएमसी सांसदों, मंत्रियों और उम्मीदवारों की तस्वीरें लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की कमान संभाली है। इसके तहत सीएम योगी आज मेरठ और गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने न्यायिक मामलों में पाकिस्तान की ISI के हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में मंगलवार देर रात एक विस्फोट हुआ, हालांकि इस धमाके से किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज NCP शरद पवार गुट ने अहम बैठक बुलाई है। पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के नेतृत्व में संसदीय बोर्ड की बैठक है। बीजेपी ने बिहार में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पीएम मोदी के साथ साथ कुल 40 नाम शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नोटिस जारी कर दिलीप घोष से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी स्मरानंद जी महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज यानी बुधवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि केजरीवाल 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है। आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि सीएम केजरीवाल को फर्जी मामले में गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने के बाद अब बीजेपी नहीं चाहती कि वह दिल्ली की जनता की सेवा करे। बीजेपी ने मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। इस पर चर्चा है कि कांग्रेस यामी गौतम को टिकट दे सकती है। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक और आम आदमी पार्टी नेता के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया है। अमोल कीर्तिकर के पिता इसी सीट से मौजूदा सांसद है, जो इस समय शिवसेना शिंदे गुट में है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।